आलू को पहले ग्रेट करना है। आज हम आलू पराठा बनाएंगे। तो अभी आलू को अभी ग्रेट करके मैंने मैक्स कर लिया अच्छी तरह से, ऐसे करके थोड़ा सा भी बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अभी इसमें हम डालेंगे, इसको अच्छी तरह से हम मैक्स कर लेते हैं पहले, जैसे उसमें से बड़ा टुकड़ा ना रहे। अच्छी तरह से मैक्स कर लो। मैक्स करने से पहले उसके बाद इसके ऊपर हम अदरक और हरी मिर्च का जो उसको थोड़ा सा कूट के डाला है और धनिया पत्ता उसके ऊपर डालना है। उसके बाद नमक, नमक स्वाद अनुसार नमक डालना है। उसके बाद हल्दी थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा हल्दी, अभी हम थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर थोड़ा सा, और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालना है, और हरा धनिया, हरा हरी मिर्च पहले से डाले थे तो थोड़ा सा ही डालना है। उसके बाद जीरा पाउडर डालना है, जीरा पाउडर थोड़ा सा डालना है। उसके बाद थोड़ा सा डालना है गरम मसाला, थोड़ा सा डालना है, ये हो गया। उसके बाद चाट मसाला एक पैकेट जो आता है उसको इसे डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा धनिया डालना है, जीरा थोड़ा सा धनिया डालना है। उसके बाद थोड़ा सा उसको पूरा मैक्स करना है अच्छी तरह से। ये हो गया आपका मैक्स, हो गया, अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद हम प्रोसेस में चलेंगे। फिर से पहले एक लोई लेते हैं आटे से लेके, इसको ऐसे करके करते हैं, हो गया। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लेके करके थोड़ा सा आटा उसके ऊपर ऐसे डाल के थोड़ा सा दबा दबाते हैं, दबा के उसको फिर से जैसे हम मोमो बनाते हैं उसको वैसे ही बंद करेंगे। हो गया, बंद हो गया। उसके बाद इसको ऐसे से घुमा के ये वाला टिक करेंगे, तो फिर से इसको फिर से डिप करेंगे। डिप करके ये हो गया। उसके बाद ऐसे ऐसे हाथों से दबाएंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे से दबाना है, ऐसे 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 करके करेंगे, जैसे फटेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से, हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आटा लेके इसको ऐसे करके इसमें से थोड़ा सा प्रेस नहीं करना है ज़्यादा, उसको ऐसे ऐसे करके चलाना है हर तरफ से, इसे सब तरफ सेम हो जाए। ये हो गया। और देखिए इसमें से कोई भी बाहर नहीं निकला आलू, ये हो गया। उसके बाद इसको ऊपर डालेंगे और सिकने के लिए छोड़ देंगे, फिर और एक लोई लेंगे देंगे। उसके बाद इसको ऐसे मोमो की तरह ऐसे करेंगे। उसके बाद इसको नीचे थोड़ा सा दिल डाल देंगे, फिर यहाँ से एक टुकड़ा लेके इसके ऊपर थोड़ा सा आटा ऐसे करके इसे नीचे डबा डालेंगे। उसके बाद मोमो की तरह उसको बंद करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके बंद कर लेते हैं, इसे ऐसे घुमा के बंद कर देते हैं। उसके बाद इसको इससे टिप करेंगे। उसके बाद उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके फैलाएंगे, इसको नीचे रखेंगे, थोड़ा सा आटा लेके इसको थोड़ा सा करके थोड़ा सा करके प्रेस करेंगे। इसको हम थोड़ा सा करके इसको पलट देते हैं, इस पर हो गया है एक तरफ का। इसको भी वैसे ही करेंगे, देखो
कहीं पे भी आलू थोड़ा सा भी नहीं निकला। ये हो गया आलू पराठा। तो इसको हम अभी सेकेंगे। क्या यह उसके बाद उसके ऊपर ऑयल डालेंगे। इसके ऊपर देखो कैसे फुला फुला बना है। इसके ऊपर हम इसे ऑयल डालेंगे। आटे में कुछ नहीं डालना है। आटा जब गूंदोगे उसके से पानी ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के गूंदना है और कुछ भी नहीं डालना है, चलेगा। हाँ, आप भी सोचो तो आप उसमें से थोड़ा सा सूजी भी डाल सकते हो, बट मैंने सिर्फ आटा पानी और तेल नमक से ही गूंदा है। देखो कितना बढ़िया से फुला फुला हो रहा है। ये हो गया आपका आलू का पराठा।